हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टॉप टेस्ट सीरीज चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स, क्या क्या स्टूडेंट करता है अपने एग्ज़ाम के दौरान एसएससी जेई में, प्लस एग्ज़ाम सेंटर वो में क्या उसमें क्या क्या मिस्टेक कर देता है, वो भी हम सब बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स हो सकता है जो जनरली स्टूडेंट परफॉर्म करता है, जो सबके साथ होता है ऑलमोस्ट, और उसे जो है वो हमें मैक्सिमम जो है कोशिश करना चाहिए उसे हम अवॉइड कर सकें। तो देखिए, पहला मिस्टेक्स मैं कहूँगी कि हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके नहीं रखते हैं। जैसे होता क्या है स्टूडेंट के साथ जनरली, देखिए आज अगर आपका नोटिफिकेशन आया तो आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो फोकस्ड रहेंगे, आप देखेंगे कि उसका नोटिफिकेशन में और क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, उसके बाद क्या क्या वेटेज है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न देखेंगे, सब कुछ आप जो है ना वो विद इन टू वन वीक में देख लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं अपना तैयारी शुरू कर देते हैं। तो जिसे किसी तरीके से तैयारी अगर आपने शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज़ 6 मंथ आपके पास है एग्ज़ाम के लिए, एकदम 1 मंथ तो आप फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि आपको जो है वो फोकस्ड रहना पड़ता है, और भी जो आपके फ्रेंड्स सर्कल है उसमें भी अच्छा खासा माहौल रहता है पढ़ाई का, तो उसकी वजह से आप कंसिस्टेंसी तो है स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जब क्या होता है धीरे धीरे जैसे टाइम का जो है वो बढ़ता जाता है तो आप क्या कर देते हैं अपनी कंसिस्टेंसी लूज़ कर देते हैं, और ये जो है ये प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ है। अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी भी करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होता है, अगर ऐसा हो जाता है कि सिलेबस आपका कवर ना हुआ हो थोड़ा बहुत, या कुछ रह गया होगा पढ़ने का, तो उसमें क्या हो जाता है एक जो है वो थोड़ा सा डर आ जाता है मन में कि अरे हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो कैसे करेंगे। तो ये सब कारण होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करने का, या घर में क्या हुआ, किसी का बड़े भैया का शादी आ गया, या फिर किसी का बर्थडे पार्टी हो गया, तो उसमें आप क्या करते हैं धीरे धीरे एक एक दो दो दिन जो है वो आप इन्वेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, उसे जो है उसी चीज़ में लगाते जाते हैं। तो ये जो है मिस्टेक को आप बिल्कुल अवॉइड करिए, इससे आप सोचिए कि अगर 6 मंथ है तो आपको 6 मंथ पूरा फोकस्ड रहना है, और अच्छे से आप जो है तैयारी करिए, कंसिस्टेंट रहिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और बीच में अगर आपकी कंसिस्टेंसी लूज़ होती है तो थोड़ा सा ये जो है विचारजनक बात है। नेक्स्ट शेड्यूल, देखिए शेड्यूल जो है आपको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, किसी चीज़ के लिए भी एक शेड्यूल रहता है जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप आज सपोज़ 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट 5 घंटे पढ़िए, नेक्स्ट उसके अगले दिन 5 घंटे पढ़िए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके एक शेड्यूल भी आपको फॉलो करना होता है। रैंडमली आपको नहीं पढ़ना है कि आज आप बिल्कुल 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिए और नेक्स्ट डे आप आराम कर रहे हैं तो आज तो मैं थक गया या थक गई, ऐसे नहीं करना है। शेड्यूल फॉलो करिए, कुछ टाइम अलॉट कर लीजिए, सपोज़ अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपको दोनों साथ में लेके चलना है। सिर्फ ऐसा ना हो कि अगर आप इस कोर ब्रांच के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिविल के, तो आपका टेक्निकल बहुत ही बढ़िया रहता है तो आप मैक्सिमम एफर्ट इसी में डाल रहे हैं, अपना इक्वल एफर्ट आपको डालना है दोनों ही में, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इक्वल टाइम आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करिए, एक शेड्यूल प्रॉपर मैनेज करिए। जैसे आपको मॉर्निंग में अगर टेक्निकल पढ़ना अच्छा लगता है तो आप टेक्निकल पढ़िए, और अगर नॉन टेक्निकल पढ़ना है तो नॉन टेक्निकल पढ़िए। लेकिन मैं अगर अपने प्रिपरेशन के दौरान की बात करूँ तो मैं सुबह सुबह जो है अपना मेरा दिन शुरू होता था कुछ रीजनिंग या फिर मैं एप्टीट्यूड पढ़ लिया करती थी। अगर एसएससी जेई की तैयारी मैं कर रही थी तो मैं रीजनिंग पढ़ती थी, 1 से 2 घंटा मेरा रोज़ ये टाइम अलॉट होता था रीजनिंग के लिए। उसके बाद मैं जो है वो अपना टेक्निकल पढ़ती थी और टेस्ट सीरीज़ में लगाती थी। तो शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करिए, कुछ टाइम जो है आप मैनेज कर लीजिए अच्छे से। अब आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा सजेशन है, आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आज का जो भी आप प्रिपरेशन डेट स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज़ जो भी आपका डेट है अक्टूबर चल रहा है, ये आपको क्या करना है, एक A4 साइज़ का पेपर लेना है, उसमें आप देखिए लिख लीजिए आपका क्या क्या सिलेबस है। रीजनिंग आपको पढ़ना है, GS पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको टेक्निकल, तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँगी। उसे आप कुछ टाइम अलॉट दे दीजिए, टाइम अलॉट कर दीजिए कि मुझे 1 घंटा जो है वो रीजनिंग पढ़ना है, GS जो है वो 1 घंटा पढ़ना है, सपोज़ 5 घंटा मुझे टेक्निकल पढ़ना है एग्ज़ाम्पल। तो उस चीज़ को आप मार्क करते रहिए, आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाएंगे तो देखेंगे आप कि आज आपने 1 घंटा रीजनिंग पढ़ा, GS 1 घंटा पढ़ा, और टेक्निकल आपने 5 घंटा पढ़ा। तो इसी तरीके का कुछ शेड्यूल अच्छे से आप प्रॉपर फॉलो करिए। ये मिस्टेक्स जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्टिंग में, 2-4 दिन उन्हें जोश रहता है तो अच्छे से जो है तैयारी करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाता है, तो प्रॉपर मेंटेन करिए। नेक्स्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम।
तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप पढ़ रहे हैं। नॉर्मल भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर 6 महीने बचा है तो उसको एज अ टारगेट करिए। एग्ज़ाम में ऐसा जैसे पेपर देते हैं 2 घंटे का, तो उस तरीके से आप पढ़िए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं तो आप रेंडमली मत लगाइए टेस्ट सीरीज़, उसका कुछ प्रॉपर टाइम अलॉट रहता है, उसके ही ड्यूरेशन में आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है टेक्निकल तो आप पूरे दिन जो है वो 6-7 घंटे टेक्निकल ही पढ़ते गए और फिर सोच रहे हैं कि अगले दिन नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम जो है वो कोर ब्रांच के होते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के, तो हमारा जो टेक्निकल पोर्शन होता है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, प्यारा लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पढ़ते जाते हैं, कोई सब्जेक्ट उठाए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, पढ़ते गए, तो थोड़ा सा नॉन टेक्निकल पोर्शन में कम ध्यान देते हैं, उसे अवॉइड करें आप, ये मिस्टेक ना हो आपसे। तो इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ करिए टाइम को, बिल्कुल। ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं कि अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, खाली टाइम आपके पास है, जब सपोज़ कुछ जो है वो काम वाम कराने जा रहे हैं, अगर आप छोटा सा बीच में अगर आपको 10 या 15 मिनट का जो है अगर टाइम स्लॉट मिलता है, उसमें आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कुछ फार्मूला वगैरह है तो उसको आप ऐसे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो एक अगर आपका 10-10 मिनट का भी स्लॉट बचा हुआ है कहीं कहीं पर टाइम, उसमें उसको अच्छे से आप यूटिलाइज़ करिए। ये सब अवॉइड करिए, टाइम का जो है वो अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। फोर्थ, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेस्ट सीरीज़। तो क्या होता है, जो बिगेस्ट मिस्टेक होता है स्टूडेंट के बीच में इन सब में से, वो क्या होता है, टेस्ट सीरीज़ को वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। कुछ स्टूडेंट में ऐसा होता है कि वो टेस्ट सीरीज़ देखते ही घबराते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ देते घबराते हैं, सोचते हैं अरे फाइनल्स में कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम तो देने जाना है बस। तो ये फीलिंग अपने आप जो है अंदर में जो है वो नहीं रखनी चाहिए, आप टेस्ट सीरीज़ अच्छे से दीजिए। और अगर आप यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, अपना शानदार परफॉर्मेंस, तो डेफ़िनेटली है कि आप जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में भी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है SSC JEE का, और वो जो है वो मैंने खुद ने कुछ पेपर डिज़ाइन किया और मेरे टीम मेंबर्स ने, तो वो आप दीजिए, बहुत ही अच्छा है, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ मैं कहूँगी ये, और इसको अच्छे से लीजिए। प्लस टेस्ट सीरीज़ के बारे में एक और चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो ये होता है कि क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ खरीद लेते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ खरीद लेते हैं, जैसे कि 3-4 टेस्ट सीरीज़ ले करके अपने पास रख लेते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज़ जो है वो रखने के लिए थोड़ी ख़रीदे हैं, टेस्ट सीरीज़ देने के लिए ख़रीदा जाता है, पैसे लगे हैं इसमें आपके कुछ। तो आप क्या करिए, बिल्कुल सेलेक्टिव रहिए, आप 1 या 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ लीजिए और उसको जो है वो पूरा ख़त्म करिए अच्छे से। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप जो है वो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ की तरफ मूव करिए। तो इसे भी आपको अवॉइड करना है, 3-4 टेस्ट सीरीज़ ले करके बस रख नहीं लेना है, वो रखने से क्या बढ़ नहीं जाएगा, उसको आपको यूटिलाइज़ करना है अच्छे से टेस्ट सीरीज़। प्लस टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करिए, जो भी वीक पॉइंट है आप उसको एक पेपर में नोट डाउन करिए और उस चीज़ को रिवाइज़ करिए। तो ये कुछ जो है वो मिस्टेक्स है जो कि डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। फिफ्थ, देखिए, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स। ये जो भी मैं मिस्टेक्स बताई हूँ इसको आपको क्या करना है, रिपीट नहीं करना है जो है मिस्टेक्स को। सपोज़ आपने जो है वो मिस्टेक, जो भी टेस्ट सीरीज़ आप दिए, मिस्टेक को क्या कर लिए, आप नोट डाउन कर लिए। अगर आपका नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में अगर सेम क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन जो है उसको रिपीट मत करिए, वो आप मिनिमम करिए, अपने वीक पॉइंट पे फोकस करिए और मिस्टेक्स जो है वो कम से कम आप जो है अवॉइड करिए कि मिस्टेक ना हो। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, हैंड से आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। पेपर 1 में आपको कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप एक बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बार में ही करेक्ट आंसर लेके आना है। तो अवॉइड करिए मिस्टेक्स को। प्लस नॉन टेक्निकल पोर्शन को जो है वो आप अच्छे से फोकस्ड करिए, जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन आप कैसे करिए, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो हमारे टेक्निकल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा एक फियर आ जाता है नॉन टेक्निकल को लेकर के, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। अब देखते हैं, देखिए, तुक्का। तो ये जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, ये तुक्का मारने के चक्कर में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव नंबर आ जाता है। अच्छे खासे मार्क्स आने वाले होते हैं स्टूडेंट के, पर क्या होता है, तुक्का मारने की हमें एक आदत सी बन जाती है। जब हम अपना नॉर्मल भी प्रिपरेशन करते हैं और MCQs क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें ऐसा हम सोचते हैं यार तुक्का मार लेते हैं क्या हो जाता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप तुक्का मारने से को अवॉइड करिए। अगर आपको 50% चांस है, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं,
दो ऑप्शन क्या आपको पता है तभी आप, मैं कहूँगी तुक्का लगाइए, नहीं तो नहीं, तुक्का जो है आपको अवॉइड करना है। अब देखिए एट्थ पॉइंट मैंने लिखा है मैक्सिमम वीडियोस। तो क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो क्या करता है, दिन भर वीडियोस ही देखता रहेगा। वीडियोस मतलब जो है अनयूजफुल है। अगर आपको एक वीडियो में चीज़ें समझ में आ गई है, सपोज़ आपने जेई का नोटिफिकेशन के बारे में एक वीडियो देख लिया 25 से 30 मिनट का, आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से दूसरे चैनल का वीडियो देखेंगे। तो ये थोड़ा सा आप अवॉइड करिए, क्योंकि उससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, प्लस आपकी एफिशिएंसी कम होती है। ऐसा तो नहीं है कि नोटिफिकेशन चेंज हो जाएगा एक वीडियो से दो वीडियो के बाद, तो ये थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। वीडियो देखिए, लेकिन आप यूज़फुल वीडियो देखिए, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखिए। एक ही जो है वीडियो को आप बार बार रिपीट मत करिए, चीज़ों को जो है ग्रैब करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें चीज़ें लेने की कोशिश करिए। और अपना टाइम आपको सेव करना है किसी भी तरीके से। उस टाइम में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं या फिर टेस्ट सीरीज आपको देना है। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें अवॉइड करिए आप। ये सब बहुत सारा मिस्टेक्स हो जाता है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, जब बाद में रिजल्ट आता है तब उन्हें समझ में आता है कि ये मुझसे मिस्टेक हुई थी। ये जो है देखिए आपके प्रिपरेशन के दौरान मैं मिस्टेक्स बता रही हूँ कि ये मिस्टेक्स आपसे हो सकता है, हो भी सकता है ना हो आपसे, इसे आप अवॉइड करिए। सेकंड मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है एग्ज़ाम सेंटर में, तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो एग्ज़ाम सेंटर में आपसे हो सकते हैं, आपको उसको अवॉइड करना है। अभी 2019 का भी जेई पेपर होने वाला है, उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा और बता दूं कि आप क्या क्या अवॉइड करेंगे, मिस्टेक्स नहीं करेंगे एग्ज़ाम सेंटर में। तो सबसे पहला देखिए, हमसे मिस्टेक क्या हो जाता है, कई स्टूडेंट से वो जो है वो प्रॉपर आईडी कार्ड ले जाना भूल जाते हैं, जल्दबाजी में हो जाता है। ऐसे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, एक आधे स्टूडेंट होते हैं जिनसे ऐसा जो है भूल हो जाता है। तो ये देखिए आईडी कार्ड आपको प्रॉपर होना चाहिए, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई लोगों के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है। उस चीज़ को आप देखिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्रॉपर नाम होना चाहिए सब कुछ। तो आईडी कार्ड आप ओरिजिनल रखिए, प्लस डेट ऑफ बर्थ जो है आप क्या करिए उसमें लिखा होना चाहिए, ये अभी से आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट को बाहर ही रोक दिया गया रहता है, और प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करके रखा होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम प्रेशर आता है अगर इसी टाइप का कुछ होता है तो उसमें आपका जो है पेपर थोड़ा सा बिगड़ने का चांसेस हो जाता है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए, ये फर्स्ट मिस्टेक है। सेकंड मिस्टेक्स क्या होता है स्टूडेंट से, एग्ज़ाम टाइम में वो जो है वो टाइम को नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं कि बस टाइम तो बहुत बचा हुआ है। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि 3 घंटे का पेपर है, लेकिन ये 2 घंटे का पेपर है और 200 क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइम को आप मैनेज करिएगा अच्छे तरीके से। एग्ज़ाम सेंटर में ये गलतियाँ हो जाती है कई बार, प्लस कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है, ये भी आपको देखना है, कहीं भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि कई एग्ज़ाम में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाता है, तो ये परसेप्शन बन जाता है कि अलाउड रहता है, तो यहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है। तो आपको कैलकुलेशन भी जो है वो अच्छे तरीके से करना होता है, ये मैं प्री की बात कर रही हूँ। और देखिए अगर और भी जो है, अगर आपसे मिस्टेक्स होता है कुछ जो भी आपको है, आप अच्छे से माइंड सेट अपना अच्छे से करके जाइएगा कि आपको एग्ज़ाम में बेटर, अच्छा, बेस्ट अपना देना है। तो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स जनरली होता है स्टूडेंट से, वही मैंने डिस्कस किया है। और अगर आपको लगता है कि और भी मिस्टेक्स मैं करता हूँ या करती हूँ, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा, ये जो है बहुत यूज़फुल हो जाएगा। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर देंगे तो काफ़ी जो है वो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए हम बात नॉन टेक की बातें हम और करेंगे अपने आने वाली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि अगर कोई भी फर्दर अपडेट्स आते हैं तो वो आप तक पहुँच सके और हमें भी मोटिवेशन मिले वो और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू सो मच।